बोध। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीज क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड जो पूछे जाएंगे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सजातीय की परिभाषा क्या है, विजातीय व्यंजनों की परिभाषा क्या है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली ये डिस्कस करने वाले, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक को जानने से पहले, ठीक है, व्यंजक क्या होता है, फिर बीज क्या होता है, ये सब जानने से पहले आपको चर और अचर राशि के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सजातीय विजातीय हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 100%, क्योंकि आपके जो सिलेबस है इसमें ये लेसन है, तो आपको सजातीय विजातीय बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, चर है, चर हम किसे कहते हैं, जिसको हम बदल मान लो, जिसे हम कहते हैं कि इसमें कुछ है, तो हम कहते हैं सपोज दैट कुछ है, मतलब वो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि मान लो हम बोलते कुछ भी हम कहते हैं कि उसकी उम्र इतनी है, मतलब कुछ करके उसकी उम्र कुछ होगी, तो हम कुछ करके मतलब सपोज दैट माना एक्स ऐसा बोलते हैं ना, तो इसलिए चर की परिभाषा ये हो जाती है कि जिसे हम बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाता है एक्स वाई जेड ए टू जेड जितने भी होते हैं, ये आपके सभी चर होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं एक्स दिखे, वाई दिखे, जेड दिखे, ये सभी चर राशि है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब अचर की बात कर लेते हैं, तो अचर में ये होता है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है, तो इसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, चर की परिभाषा है, ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि चर की परिभाषा, तो चर की परिभाषा यह है कि जिसमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हमने एक्स, माना हमने वाई, माना हमने जेड, मतलब कुछ भी मान सकते हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है, उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। अब अचर की परिभाषा ये होती है कि जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है उसे हम अचर, जैसे वन टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ये सभी अचर में आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको पता चल गया कि चर जो होता है, जो चर होता है और अचर होता है, ठीक है, दो होता है, तो इन दोनों को चर तो एक्स वाई जेड है, तो चर के मेल से बीज बनता है, ठीक है, आपको पता होगा कि बीज, तो चर के मेल से बीज बनता है, एक्स वाई जेड के मेल से बीज बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि चरों के मेल से बीज बनता है, ठीक है, क्योंकि बीज बीज पूछ लिया जाए कि बीज क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो जो एक्स वाई जेड है उससे मिलकर बीज बनता है, ठीक है। अब यहाँ ये हम बात कर लेते हैं बीजों के मेल से क्या बनता है, एक्स वाई जेड से तो ये बनता है, लेकिन जब बीजों के मेल से व्यंजक बनता है, व्यंजक, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, आपके सामने शो हो रहा है 3x-6, ठीक है, तो ये आपका x क्या है, आपका x यहाँ बीज है और जो 3 है 6 है ये व्यंजक है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम व्यंजक कहते हैं, ठीक है। ये x आपका चर है और 6 और 3 ये आपका अचर है, ठीक है, तो ये आपका अचर, ठीक है। तो आपका जो ये x है वो क्या है, चर है, और जो ये 6 है ये आपका अचर है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि चर क्या होता है और अक्षर क्या होता है, सॉरी अचर क्या होता है। तो इन जब हम चर और अचर की मेल को हम व्यंजक कहते हैं, और केवल हम एक्स वाई जेड को मिलाते हैं तो उसे हम बीज कहते हैं, और जब बीज और अचर को, मतलब चर और अचर को हम मेल करते हैं तो फिर उसे हम व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको मुझे लगता है पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सजातीय और विजातीय, इससे इससे मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने सजातीय शो हो रहा है, सजातीय का अर्थ होता है समान जाति वाले। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ आप सभी के सामने, कुछ यहाँ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो आप इसको क्या कहोगे,
ठीक है। जैसे यहाँ आप मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि यहाँ गर्ल्स हैं, ठीक है, यहाँ कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, तो आप इनको क्या कहोगे, सजातीय कहोगे या फिर बिजातीय कहोगे? आप खुद ही सोच कर बताओ। तो आप यहाँ इसको बिजातीय कहोगे क्योंकि ये समान नहीं है, गर्ल्स अलग है बॉयज अलग है, तो इसलिए समान नहीं है। आप इसी में से आप मान लीजिए 2 पॉइंट हो गया, इसमें बस गर्ल्स हैं, इसमें सिर्फ बॉयज हैं, तो ये आपका दोनों ही समान, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों क्योंकि इसमें केवल एक ही जाति के हैं, ठीक है, एक ही जाति मतलब समान है, तो इसलिए हम इसे सजातीय कहेंगे। इसमें केवल बॉयज हैं, लड़कियां नहीं है, तो इसे भी हम समान ही कहेंगे। लेकिन जब बिजातीय हम कब कहेंगे, जब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इसमें आ जाएंगे, तो फिर हम उसे बिजातीय कहते हैं, ठीक है। जिनका मेल नहीं होता है उसे हम बिजातीय कहते हैं, और जिनका मेल होता है उसे हम सजातीय। सिंपल सा भाषा है, जिसको जिसका मेल नहीं होता है वो बिजातीय होता है, और जिसका मेल होता है वो सजातीय होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 5x+2x, 7x+8x, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एक आपका एक यहाँ भी अचर है, यहाँ भी अचर है, ठीक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक अचर है, और यहाँ भी एक आपका चर है। तो आप यहाँ देख सकते हो समान जाति वाले हैं। जब समान जाति वाले हैं तो क्या इसे हम बोलेंगे, सजातीय, ठीक है। अगर मान लो आप ये एग्जाम्पल आपके सामने मैं देती हूँ, अगर मान लो आपके सामने 2x² + 2x, ठीक है, 2x हो गया, 3x, 3x + 4x, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, आप खुद सोच के बताओ, ठीक है। आपके सामने मैं मतलब एग्जाम्पल दी हूँ कि इसको हम क्या कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो एक में क्या है, एक में आप देख सकते हो 2x² + 2x है, 3x + 4x है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो x की संख्या है वो 2 है, और यहाँ x की संख्या 1 है, तो इसलिए ये आपका बिजातीय हो गया, न कि सजातीय, ठीक है, तो इसलिए इसे हम बिजातीय कहेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2x है, ठीक है, 2x + 3y, 3y हो गया। अब अगले पद में आपका 5x + 4y, तो ये आपका क्या होगा, ये एक सजातीय पद है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो इसे हम सजातीय कहेंगे ना कि बिजातीय, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है, जिसकी जाति समान हो। आप घात का भी देखोगे, स्क्वायर को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं बिजातीय पद। तो जो बिजातीय पद होती है वो असमान जाति को होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल है 6z + 3y + 6x + 2z, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जेड और वाई है, बट यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, इसलिए ये असमान जाति हो गया, या बिजातीय श्रेणी में हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एक दो प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे से सजातीय व्यंजक का जोड़, बिजातीय व्यंजक का जोड़ घटाना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सजातीय व्यंजक का जोड़, ये कैसे किया जाता है। जैसे कि एक आपके सामने प्रश्न दिया है, 2x + 5 तथा 6x + 9 को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2x + 5 एक तो सरल विधि है, आपका पहला मेथड यही है कि हम सिंपल 2x + 5, 6x + 9 को जैसे ऐड कर लेंगे, तो 9 5, और जो आपका मतलब जो 9 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, तो हम यहाँ 14 लिखेंगे, 6 और 2 कितना होता है, 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपल इसको क्या करो, जैसे 2x है, 2x + 5, 6, एक मिनट इसको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे मैं यहाँ देखिए नीचे शो भी कर रहा है, जैसे हम एक बार इसको ऐसे लिख लेंगे 2x + 5, 2x + 9, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2x + 6 एक्स एक्स को हम ऐड कर लेंगे, तो सबसे पहले हम 2x + 6s को यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा,
छः, और आप प्लस 9 और प्लस 5 को ऐड करोगे तो 14 होगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऐड x प्लस 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये योग या जोड़ना, ठीक है, ऐड करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप मतलब सजातीय या विजातीय व्यंजक का जोड़ या घटाना कैसे कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है जोड़ना, ठीक है, तो सबसे पहले ए है, अक्षरों को एक पदीय का योग, ठीक है, एक पदों का योग होता है। तो पहला आपका प्रश्न देख सकते हो आपके सामने, सो बहुत ही ईजी, अगर आप अच्छे से इसको समझोगे तो बहुत ही आसान है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक बार समझ जाओगे फिर ये कभी ओनली आपको जोड़ना है घटाना है तो फिर कहीं से दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आपका सिलेबस में है वहीं से पूछेगा, कुछ बाहर से नहीं पूछने वाला है। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि कहीं से भी उठाकर दे सकता है, जो आपके सिलेबस में है वहीं से पूछेगा, बस यही रहेगा कि डिजिट को चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको जो नियम फॉलो करने होते हैं सेम जैसे इसमें फॉलो होगा उसी में वही फॉलो करना होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मैथ में 25 नंबर का होता है उसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। और आप देख सकते हो कि क्या स्थिति अभी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का है। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मैथ में इतना मतलब आप पूछो मत, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको बैग की बातें ही नहीं करनी है चाहिए, ठीक है गाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि 2ab, 5ab तथा ab का योग, मतलब इसको ऐड करिए। तो आपके सामने जैसे शो हो रहा है कि 2ab और 2ab है और प्लस 5ab को तथा ab को आप कैसे ऐड करोगे, तो देखने से ही पता चलता है कितना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2ab 5 है, 5ab है, ab है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका नियम, तो हम देखकर भी मतलब 2 और 5 कितना होता है, 5 2 7 होता है, प्लस ये 1 हो गया तो 8 हो जाएगा। लेकिन हम विस्तार से अगर आपको समझना है तो, क्योंकि कॉपी में ऐसे तो हम आंसर लिखेंगे नहीं, हाँ गाइज मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको कॉपी में बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छे से लिखना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना फिर नंबर नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपको यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर है ये आपको 1 से 5 तक की क्लास तक को ही बच्चे को पढ़ाना है, तो उनको तो नहीं मालूम होगा ना कि आप क्या कर रहे हो। जल्दी से आप फटाफट आंसर लिख दोगे तो वो एक तरीके से गलत माना जाएगा। आपको पूरे विस्तार से लगाना है तभी आपको नंबर, मतलब बहुविकल्पीय में तो ओनली आपको आंसर लिखना है, लेकिन अगर जो लघु उत्तरी है अति लघु तो उसको आप विस्तार से लगाओगे तभी आपको नंबर 2 या 1 नंबर मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात में रखनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने शो हो रहा है 2ab तथा 5ab और ab का योग कितना होगा। तो सबसे पहले नियम क्या होता है, हम 2ab प्लस 5ab प्लस ab को हम पहले प्लस प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये नियम है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2ab है तो 2ab रहता है, तो सिंपल हम देखते हैं कि 2 into ab ऐसा होता है ना, तो एक बार इसे हम ऐसा लिख लेंगे। दूसरा मतलब रूल ये है, दूसरा स्टेप 2 into ab प्लस 5 into ab प्लस, यहाँ आप देख सकते हो ओनली ab है, तो हम जब कुछ ही नहीं रहता है तो हम एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है, हम एक से गुणा करेंगे। तो 2 into ab प्लस 5 into ab into ab, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने आपके अचर पद है, ठीक है, 2 है 5 है 1 है, जितने आपके अचर पद है, हमने कल अचर और चर के बारे में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने 2 अचर पद है, 5 अचर है और 1 अचर है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, कोष्टक में। तो 2 प्लस 5 प्लस 1 फिर इंटू ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हम इसको ऐड कर देंगे। तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है, प्लस 1 8 हो जाता है। अब जब 8 हो गया तो 8 into ab आप करोगे तो आपके सामने शो होगा 8ab, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, एक बार आपको बस समझ, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत ही इजी है, आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हो। दूसरा आपका जो है वो बीजीय व्यंजकों का योग है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल चलिए हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि मान लो आपके सामने है एक, चलिए एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर आपके सामने एक्स मतलब एक मिनट, हाँ एक्स प्लस, तो ये कितना एक्स, अगर आपको पूछा जाए कितना एक्स है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ 3x, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे ही होता है x, ठीक है, अगर y रहे तो फिर अगर y कितनी भी संख्या रहे 5 10, तो आप सिर्फ 10x लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका बीजीय व्यंजकों का योग, ठीक है।
तो बिजी व्यंजकों का योग आपको कैसे, मतलब आप यहाँ देख सकते हो 3a+7 तथा 3a- को आप ऐड करिए, मतलब योग ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल, तो आप जो मैंने कल लगाया था आपके सामने, आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो 3a+5 और 3a-5 ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी आप ऐसे ही लगाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला आपका नियम यही है, पहला स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले आप लिखोगे 3a+7 तथा की जगह पर आप प्लस, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, योग करने के लिए, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ दिया है 3a-5, हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। दूसरा हमारा ये स्टेप रहता है कि जो जो चर समान होते हैं उसको हम एक साथ लिखते हैं और अचर जो होते हैं उसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने शो हो रहा है, एक तो यहाँ 3 है और ये यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा नियम ये हो गया, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, तो 3a+3 हम लिख लिए, बीच में प्लस। अब आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने शो हो रहा है +7 और -5, ठीक है। +7 ये क्या है, अचर है, तो जब अचर है तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे 7-5। अब क्या करना है, सिंपल आपको इनको ऐड कर देना है, माइनस कर देना है। 3a+3 है, आप ऐड करोगे तो कितना हुआ, 6a हो जाएगा, और +7-5 में आप मतलब माइनस करोगे तो 2 होगा। तो इसलिए इसका नियम यही है, बहुत सिंपल है। आप जितने भी, अगर मान लो आपके सामने, अगर जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल और देख सकते हो, ठीक है, तो जैसे आप एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, 4y+8 तथा 4y+8 तथा 7y-8 को जोड़िए, इसको भी ऐड ही करना है। तो सिंपल का प्रोसेस यही है, पहला स्टेप यही रहेगा कि आप सबसे पहले ऐड करें तो तथा की जगह पे ऐड लिखोगे, मतलब प्लस, तो 4y+8+7y-8, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वाई के कितने पद हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एक वाई है और यहाँ भी एक वाई है, तो हम दोनों को एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो 4y+7y लिख लिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से मतलब अंक है, तो हम यहाँ देख सकते हो +8 को 8 लिखेंगे, -8, ठीक है। तो उसके बाद 4y और 7y को ऐड करोगे तो 11th आएगा, और आप यहाँ देख सकते हो 8-8 क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, हम ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं। 11th मतलब 11y+0, इस 0 का कोई मतलब नहीं हो जाता है, सिंपल क्या लिखेंगे, 11y, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो दूसरा आपका प्रश्न है 3 पदों वाला, मतलब मान लो 3 पद दिया जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने शो हो रहा है 3x+3y 4+2x 2y-5 को ऐड करिए। तो इसको लगाने के लिए सिंपल, कोई कुछ नहीं करना, जैसे हमने लगाया था पहले वैसे ही 3x, सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि 3x+3y को लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ 4+2x, यहाँ तथा पर भी 4 लिखेंगे, ठीक है। जब माइनस होता है तो हम माइनस लिखते हैं, जब प्लस होता है तो हम प्लस लिखेंगे, 2y-5, जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमने ऐसा यहाँ लिखा है, ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। अब दूसरा नियम हमने क्या बताया था कि जितने भी समान पद वाले हैं उनको एक साथ लिखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो पहले क्या है, 3x है 2x है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, इन दोनों के एक साथ लिख लेंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, 3y है और 2y है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद जो अचर पद रह जाता है, हमारे अंक रहते हैं, ठीक है। अब जब हमने लिख लिया तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि तो 3x+2x को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5x, और 3y+2y को ऐड करोगे तो 5y, और आप यहाँ देख सकते हो 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5x+5y+1, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आपका घटाना है, तो हम घटाना के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सेम वही रहता है, बस वही चिन्ह बदल जाता है और इसने आपको माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों को घटाना, एक पदियों का व्यंकलन, मतलब ये पहला रूल है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो कि 5x में से 1x को घटाना है, ठीक है, पहला आपका प्रश्न ये है कि 5x में से 1x को घटाइए। तो सबसे पहले नियम यही है कि आप, जैसे मैंने एक पद वाला डिस्कस किया था कि 5x कैसे आता है, तो 5 × x आ जाएगा, ठीक है, 1 × x हम कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि में से, तो हम में से यहाँ घटाना है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, तो 5x-1x। अब हमारा नियम है कि 5x × x, ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 × x कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा अचर है उनको एक साथ और x को अलग लिख लेंगे, तो 5-1 × x
फाइव में से वन जाएगा, फोर जाएगा, और फोर एक्स इंटू में हम करेंगे तो फोर एक्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल माइनस में घटाना आपको यही है। दूसरा आपका है, दूसरा आपके सामने प्रश्न शो हो रहा है, 7y-3o को घटाइए। तो सिंपल तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देख सकते हो 7y-3y है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 7 into y करेंगे, उसके बाद -3 into y करेंगे। 7 और 3 को एक में लिख लेंगे और y y को, तो 7 में 7 में 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में y का गुणा करेंगे तो हमें 4 आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप आपके सामने शो हो रहा है, बहुत ही ईजी है, 7 into y-3 into y, ठीक है। फिर हम जो हमारा अचर है उनको एक साथ लिख लेंगे और y को एक अलग, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएगा तो हम 4 मिलेगा, और उस y 4 में into y करेंगे तो हमें 4y हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख सकते हो, बीजगणितीय व्यंजकों का व्यंकलन, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 4ab + 5b - 2 में से 3a + 2b को घटाइए। तो आपको यहाँ देख सकते हो 4a + 5b - 2 - 3a + 2b, जैसे कि घटाना है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 4ab+ ऐसे ही लिखेंगे, अब यहाँ मी से है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे +3ab। अब इनको भी सेम यही करना है कि हम देखेंगे कौन कौन समान है, तो उनको एक साथ 3a यहाँ है तो हम इनको एक साथ लिखेंगे, 5b यहाँ है, 2b यहाँ है, तो हम इनको एक साथ है। अब हमारा क्या बच जाता है, ओनली -2 बच जाता है, तो -2 बच जाता है तो हम उसको अकेला लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम 4a-3 यहाँ लिख दिए, 5b+2b यहाँ लिख दिए, और -2 का बच गया तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 4a-3 में से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम सिंपल a लिख देंगे। 5b+2b है तो हम उनको अगर लिखेंगे तो हमारा 3b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ माइनस रहे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ प्लस है तो यहाँ 7b हो, सॉरी मैंने यहाँ 3b लिख दिया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। जैसे 5b और 2b है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो प्लस का चिन्ह है, तो हम ऐड करेंगे। तो जब 5b + 2b करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 उसके बाद -2 है तो हम यहाँ -2 लिख देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, a + 7b - 2। तो बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको डिस्कस कर सकते हो और लगा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इस लेसन का प्रैक्टिस सेट है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ सके कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको चर अचर और रूल नियम पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको डिस्कस या फिर इस सवाल को हल कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करोगे। अगर डिस्कस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ, अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती है तो आप दूसरों को शेयर करो, इससे क्या होता है आपका ज्ञान और भी बढ़ता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से तैयारी करो।